हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू अर्टिगा 2022 का VXi मॉडल। इसमें आपको LXi मॉडल मिल जाता है, VXi, ZXi, ZXi प्लस मॉडल मिल जाते हैं, बट ये है मिड मॉडल और इसमें अभी व्हील कैप नहीं लग रखे हैं। ये मैं स्टॉक यार्ड में आ रखा हूँ, अभी व्हील कैप वगैरह भी लगेंगे। पुरानी वाली अर्टिगा है और जो है नई वाली अर्टिगा आई है ना, इसमें बहुत ही कम चेंजेस है, बट मुझे ये नहीं समझ आता मारुति से फेसलिफ्ट का नेम कैसे दे देती है। चलो ये सब छोड़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट से ना जो आपको मेजर चेंज मिल जाता है ना, वो ग्रिल का चेंज मिल जाता है भाई। ये इसमें आपको नई ग्रिल मिल जाती है एंड हेडलाइट्स वगैरह बिल्कुल ही सेम है। इसमें आपको हेलोजन लाइट्स मिल जाती है प्रोजेक्टर बेस एंड इधर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इधर आपको लोबी मिल जाती है, ये भी हेलोजन ही है। नीचे ना आपको फॉग लाइट्स वगैरह नहीं मिलती है, बट यस आप आफ्टर मार्केट या फिर मारुति की एसेसरीज में भी यहाँ पे फॉग लाइट्स वगैरह इंस्टॉल करा सकते हैं। टॉप मॉडल में आपको इधर फॉग लाइट्स वगैरह भी मिल जाती है, या आपको टोइंग हुक मिल जाता है। एंड क्रोम ट्रीटमेंट ना बिल्कुल नहीं कर रखा है नीचे, बहुत ही मिनिमल सा डिजाइन लगता है, बट जो क्रोम ट्रीटमेंट इधर है ना इसकी ग्रिल पे, ये बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब की ना थोड़ी सी न्यूश सी लुक आती है, बट अकॉर्डिंग टू मी तो ना इसे ना फेसलिफ्ट कहना नहीं चाहिए था। मतलब बहुत ही कम चेंजेस करे, जो मेजर चेंज करे ना वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड अर्टिगा की ना ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, 185 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अब हम चलते हैं कार के साइड में। साइड में सबसे पहले हम टायर्स की बात करें ना, टायर साइज आपको मिल जाता है 185R15 और इंडिकेटर्स वगैरह भी आपको ORVM पे मिल जाते हैं। फेंडर पे आपको ना कोई इंडिकेटर्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं। डोर हैंडल्स की बात करें ना, डोर हैंडल्स भी ना बॉडी कलर से मैच वाले मिलते हैं। क्रोम वगैरह इस मॉडल में आपको नहीं मिलता है, इधर से आपको फ्यूल डालने का ऑप्शन मिल जाता है, पेट्रोल आप इधर से डाल सकते हैं। इसमें ना CNG ऑप्शन भी आता है एंड जो ज्यादा सेल्स है ना अर्टिगा की वो ना CNG की ही है, बट ये है पेट्रोल। नेक्स्ट वीडियो ना CNG अर्टिगा पे आने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को ना यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज नई नई वीडियोस डालता रहता हूँ। अब चलते हैं भाई कार की बैक साइड पे। बैक साइड पे भी ना कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट जो एक चेंज है ना वो ये है, ये आप देख सकते हैं लाइन सी जो स्किड सी लग रही है, बस यही कुछ एक्स्ट्रा चेंज करा है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं है। जो इधर आपको बैजिंग मिल जाती है स्मार्ट हाइब्रिड की, इधर आपको मारुति का लोगो मिल जाता है, इधर आपको अर्टिगा की बैजिंग मिल जाती है। नीचे आपको 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कोई रिवर्स कैमरा आपको नहीं मिलता है। मैं बूट ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ है भाई इसकी बूट। 7-सीटर है ये कार, 42 सीट्स में ना आपको 50-50 स्प्लिट ऑप्शन भी मिल जाता है, जैसे गिर रखी है ये वाली भी आप गिरा सकते हैं। एंड बूट स्पेस की बात करें ना, जैसे मैं दोनों सीट फोल्ड कर दूंगा ना, तो इसका बूट स्पेस ना 550 लीटर का हो जाता है, जो कि अगेन प्लस पॉइंट है। एंड जो इसकी स्टेपनी होती है ना वो नीचे लगी होती है, अगर आपको मतलब वो ये हटानी है ना, तो इधर आप देख सकते हो ये आपको स्पेयर टायर का मिलता है, इसे खोल के आप ये लॉक वगैरह खोल सकते हैं, तो नीचे से आप मतलब निकाल सकते हैं अपने टायर को भी। इधर आप फर्स्ट एड वगैरह भी रखी होगी, अभी तो आगे रखी हुई है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक यार्ड में आ रखा हूँ। फिलहाल तो ना यार एक बार ना बूट वगैरह बंद करते हैं। एंड ऐसी कुछ आ रही है भाई कार की साइड की लुक, मतलब कि यार लुक वाइज तो बिल्कुल ही सेम है। एक्सटीरियर में जो मेजर चेंजेस है ना वो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल ही माइनर है। एक फ्रंट ग्रिल और पीछे वो हल्की सी लाइन वाली। एंड जो अपना कार की सबसे मतलब डिसअपॉइंटिंग चीज है ना वो ये है भाई इसकी की, मतलब मारुति ना अभी तक यही ऐसी ही की यूज कर रही है, लॉक अनलॉक। मतलब कि यार की में तो इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, मतलब बहुत ही बुरा हाल है की का भी। एक बार तो कार को ना अनलॉक करते हैं और कार के अंदर चलते हैं। एंड जैसे अब मैं डोर वगैरह ओपन कर रहा हूँ ना, बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना, मतलब कि ना ऐसे इंक्रीज नहीं की है जैसे पुरानी वाली बलिनो और जो नई वाली बलिनो है उसमें आपको थोड़ा बहुत फर्क लगता है, बट आप जैसे इधर पुरानी वाली अर्टिगा खड़ा दो और ये वाली अर्टिगा खड़ा दोगे ना, बिल्ड क्वालिटी में आपको ना ज्यादा फर्क तो नहीं लगेगा। ऐसे कुछ है भाई कार के डोर्स। और देख लो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो इस कलर का होता है ना, इसे आप क्रीम कलर कह लो कोई कलर कह लो, ये देखो गंदगी। मतलब ये नई कार है, ब्रांड न्यू कार है, स्टॉक यार्ड में खड़ी है और देखो कैसे गंदी हो जाती है। इधर आपको वही भाई मारुति का ओल्ड स्कूल मिल जाता है, इधर से विंडोज वगैरह डाउन हो जाती है, इधर से लॉक अनलॉक, ORVM एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, फोल्ड वगैरह कर सकते हैं। मतलब कि यार ये भी चेंज करना चाहिए, फेसलिफ्ट के नाम पे मुझे समझ नहीं आता क्या करते हैं क्या नहीं। बहुत ही बेकार क्वालिटी का इसमें आपको प्लास्टिक वगैरह मिलता है, बट ये सब छोड़ते हैं, कार के ना अंदर चलते हैं। एंड जैसे ना ये मिड मॉडल है, इसमें ना आपको सीट एडजस्टमेंट की बात करूँ ना, हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है टॉप मॉडल में, बट आपको मिल जाता है। एक बार ना कार के हम अंदर बैठ जाते हैं, बाहर शोर भी बहुत है भाई स्टॉक यार्ड में, यही दिक्कत रहती है। ऐसा कुछ है भाई कार का इंटीरियर, ऐसा इसका स्टीयरिंग व्हील है, खाली टिल्ट है, टेलीस्कोपिक आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है। इधर आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन करने के, ट्रैक इधर उधर करने के लिए, इधर से आप म्यूट कर सकते हैं, इधर से आप फोन को उठा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एंड एक बार ना मैं इसकी की भी लगा देता हूँ। ऐसा कुछ आपको ना इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, बीच में वही भाई पुराने वाली MID कुछ इधर मतलब चेंज वगैरह नहीं करा। इधर स्मार्ट हाइब्रिड की इसमें बैजिंग मिल जाती है, 220 तक की टॉप स्पीड, 8 तक इसमें RPM है क्योंकि ये है पेट्रोल। एंड MID को आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, MID तो वही जैसे सारी मारुति कार्स में वैसी ही है। मतलब मेजर चेंजेस भाई इसमें कुछ नहीं है जैसे मैंने आपको पहले बताया। इधर आपको ऑटो ऑन ऑफ का अगेन बटन मिल जाता है, स्मार्ट हाइब्रिड जैसे कहती है। एंड AC वेंट्स की बात करें ना, AC वेंट्स वगैरह भाई प्रीमियम तो लगते हैं, जो खासकर ये ट्रीटमेंट है ना, ये टेक्सचर वगैरह इसका बहुत ही अमेजिंग है, मतलब थोड़ा बहुत प्रीमियमनेस तो
लगती है कार में। एंड बीच में अगेन मिड मॉडल है, कोई आपको स्क्रीन वगैरह नहीं मिलती है, बट वो ये इसमें ब्लूटूथ वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं, गाने वगैरह सुन सकते हैं। नीचे आपको मैनुअल एसी कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं, एंड इधर कुछ खाली स्पेस वगैरह मिल जाते हैं, इधर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, इधर यूएसबी ऑक्स। बट भाई जो सबसे अमेजिंग चीज, जो इसका मतलब यूनिक फीचर है ना, इधर आप देख सकते हैं जैसे कप होल्डर्स है ना, इसमें आपको कूलिंग का फीचर मिल जाता है, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये पता नहीं भाई रियल लाइफ में कितने प्रैक्टिकल है कितने नहीं, मतलब ठंडा वगैरह करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे जितना ठंडा करेंगे बोलने बोलने वाला फीचर है। एंड ये है गियर नॉब इसका, वो ये मारुति अब तक सिक्स्थ गियर नहीं दे रही है भाई, सिक्स्थ गियर भी देना चाहिए। इधर आपको मैनुअल हैंडब्रेक मिल जाती है, कोई आर्म रेस्ट का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है क्योंकि मिड मॉडल है। एंड फैब्रिक सीट कवर्स इसमें आपको मिल जाते हैं, लेदर सीट कवर का ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें। एंड अब बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, अच्छा खासा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, बट कूल ग्लव बॉक्स का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। एंड जो एसी वेंट्स है ना, ये अगेन भाई प्रीमियम लगते हैं, जैसे इधर प्रीमियम लग रहे थे ना, इधर भी अच्छे खासे प्रीमियम लगते हैं। जो फिनिशिंग है ना बहुत बढ़िया लगती है, नो डाउट हार्ड प्लास्टिक का यूज तो करा गया है, मारुति साहब इतना तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ये पता ही है आपको। बट स्टिल इस सबके बाद भी जो इसकी सेल्स है ना, खासकर सीएनजी की, बहुत ही अमेजिंग है। अब तो सीएनजी भी दो वेरिएंट्स में दिया गया, पहले एक ही वेरिएंट में आता था। एंड मैनुअल आईआरवीएम मिल जाता है आपको, एंड इधर आपको हेलोजन लाइट्स वगैरह मिल जाती है। शेड्स की बात करें तो भाई इधर आपको मिरर मिल जाता है, इधर आपको ना टिकट होल्डर मिल जाता है। आगे से कुछ ऐसी ही थी कार, एक बार ना मैं इसे ऑफ भी कर देता हूँ। अब चलते हैं कार के पीछे, और जो इसकी मेन हाईलाइट है ना भाई, ये सेवन सीटर है, मतलब ये ना इनोवा को भी कंपटीशन दे दिया, इसमें इतना बढ़िया अच्छा खासा स्पेस है, टैक्सीज वगैरह में तभी ये यूज भी की जाती है। एक बार हम पीछे चलते हैं, ऐसा कुछ है भाई पीछे का लुक, आगे ना सामान वगैरह भी पड़ा है, एक बार ना मैं सीट वगैरह को पीछे कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने ना बिल्कुल ही सीट रिक्लाइन कर दी है, अब मैं बैठ के देखता हूँ, मतलब सामान वगैरह पड़े तो मैं पैर सामान के ऊपर तो नहीं रखूंगा। अब इधर से ना पीछे भी कर सकता हूँ मैं सीट को, ये देखो मैंने पीछे बिल्कुल ही पीछे भी कर दिया सीट। अब ना मतलब कि अच्छी खासी ना इसमें आपको ना लेग स्पेस वगैरह मिल जाती है, रिक्लाइन एंगल भी ना बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर मैं पूरी पीछे करता हूँ सीट को, अब देखो मैं ना पूरी पीछे करके, रिक्लाइन एंगल बहुत ही अमेजिंग है। बट इसमें जो डिसएडवांटेज होते हैं ना, पीछे बंदे को स्पेस वगैरह नहीं मिलेगी। और हेडरूम की बात करें, अगेन भाई हेडरूम तो बहुत ही अच्छा है, मतलब तभी ये टैक्सीज वगैरह में चलती है यार, कंफर्टेबल तो बहुत है कार। पीछे ना आपको इधर एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो कि अगेन बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, इधर से आप कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। एंड इधर आपको 12 वोल्ट का अगेन सॉकेट वगैरह भी मिल जाता है, बीच में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाती है, बट इसमें आपको कोई कप होल्डर्स वगैरह नहीं मिलेंगे अभी तो, यार ये बिल्कुल ही पैक्ड है इसलिए मैं इसे खोल नहीं रहा हूँ। इधर से ना हम पीछे भी जा सकते हैं, अभी मैं पीछे भी आपको जाके दिखाता हूँ कि पीछे की स्पेस कितनी प्रैक्टिकल है कितनी नहीं। बट वही बात है, अगर मैं इतना रिक्लाइन करके रखूंगा ना तब तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं रहेगी भाई, बट इतने रिक्लाइन में ना जो कंफर्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। इधर आपको आइसोफिक्स माउंट्स भी मिल जाते हैं, मैंने ना वो वाली सीट तो देखो डाउन कर दी थी उधर से ही, मैं स्पेस चेक कर रहा था। बट अगर आपको एंटर करना है ना, इधर आपको इसमें मिल जाता है ये बटन सा, इधर आप ये ऐसे कर सकते हैं। बट वही बात है, ये सीट वगैरह ना एडजस्ट बंदों ने बतानी किस हिसाब से कर रखी है भाई, एक बार मैं इसे ऊपर करता हूँ। बट जो चक्कर पड़ रहा है ना, वही चक्कर पड़ रहा है कि भाई इधर ना सामान वगैरह पड़ा है, तो मैं अभी पीछे तो जाऊंगा नहीं क्योंकि वही बात है कि स्टॉक यार्ड में कार खड़ी हुई है। बट अर्टिगा यार अपने स्पेस के लिए ना पीछे फेमस तो है ही, मतलब इधर ना आपको अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है, लॉन्ग ट्रैवल में भी बंदे मतलब बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडेवर की तरह पीछा पीछा स्पेस होगा। एंड पीछे आपको कप होल्डर वगैरह भी मिल जाते हैं। सो यस फिलहाल तो ना इधर से कार को बंद करते हैं, अगर आगे सामान ना होता ना तो मैं आपको पीछे जाके भी दिखा देता। अब ना मैं आपको ना कार का बोनेट खोल के दिखाता हूँ, एंड जो मेजर चेंज है ना वो इसमें ही है भाई, जो कार का इंजन है ना वो अपडेट कर दिया गया है। एंड जो सबसे बड़ा चेंज है ना इसमें ना आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का ड्यूल जेट इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है 103 bhp एंड 136.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि प्लस पॉइंट है। उसके अलावा अब पर्सनल ओपिनियन की बात करें ना, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। बाहर की बात करें तो एक ये चेंज है भाई, ग्रिल चेंज कर दी है, एंड पीछे जैसे मैंने आपको दिखाई थी वो लाइन से आ चुकी है, और कोई मेजर चेंज नहीं है। चाहे आप टॉप मॉडल की बात करो, मिड मॉडल की बात कर लो, अंदर भी लगभग कार सेम ही है। एंड अब न्यू अर्टिगा की प्राइसिंग की बात करें ना, ये स्टार्ट हो जाती है 8.35 से लेके 12.79 लैक्स एक्स शोरूम। सो यस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको नई वाली अर्टिगा 2022 फेसलिफ्टेड कैसी लगी है कैसी नहीं। बट अकॉर्डिंग टू मी तो ना यार नाम का फेसलिफ्ट लगा है मुझे तो पर्सनली, मतलब कि ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे मारुति ना अपनी कार में, पता नहीं मेजर चेंजेस करता है नहीं और फेसलिफ्ट का नाम दे देते हैं। एंड खासकर भाई ये की, मतलब ये की तो चेंज होनी चाहिए, 2012-13 से ना यही की आ रही है, स्विफ्ट ले लो उसमें भी यही की आ रही है, मतलब बड़ी कार ले लो उसमें भी यही चाबी आ रही है, मतलब जो मेजर स्टेप्स है ना मारुति को ना लेनी चाहिए भाई। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन जरूर दें। एंड फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सबको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।